मुंबई के गरीब बस्तियों में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनकी घर की परिस्थिति खराब होने के कारण उन्हें बीच में से ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्हीं में से मैं एक हूँ। मेरी घर की परिस्थिति खराब होने के कारण मुझे बीच में से ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ के प्रिंसिपल बोलते हैं कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया जाएगा, यही हम पूछते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। काय माहिती आहे ह्याला पुढवरच्या लेवलने हे असतं नाही नाही आणि त्यामुळं मी याच्यात काहीच बोलू शकत नाही। दो हजार छः में प्रेरणा नाइट हाईस्कूल में नवीं कक्षा पास करके मुझे अपनी पढ़ाई बीच में से ही छोड़नी पड़ी। फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैं फिर प्रेरणा नाइट हाईस्कूल में दसवीं के एडमिशन के लिए गया, लेकिन वहां के प्रिंसिपल ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया। मैं वहां से निराश होकर चला आया। मुझे उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। मैं अकेला ही निराश नहीं हुआ, मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको एडमिशन ना मिलने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। मैं प्रेरणा नाइट हाई स्कूल में स्कूल पढ़ता था, तो मैं उसमें नौवीं पास था, पर लेकिन नौवीं पास होने के बावजूद जब मैं कुछ दो तीन साल का गैप मिला मुझे, मतलब गैप किया मैंने काम के वजह से, दो साल के बाद जाने के बाद सर को बोला कि मुझे सर डबल एडमिशन चाहिए, पर लेकिन वो मुझे एडमिशन नहीं दे रहे, इसके लिए मैं आगे की पढ़ाई कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन मेरे जैसे सभी खुश नसीब नहीं होते हैं। स्कूल के धक्के खा खा कर अपनी पढ़ने की ख्वाहिश को बीच में से ही छोड़ देते हैं। सरकार शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करती है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको स्कूल तरह तरह के नियम कानून समझा कर उन्हें शिक्षा से अलग करती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे नियम कानून बने जिससे विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं अमोल लालजरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।